मॉडल एवं अभिनेत्री शब्बी सूरी का शुक्रवार को बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान अभिनेत्री शब्बी सूरी ने मीडिया से चर्चा की। बताया कि मॉडलिंग के साथ पंजाबी फिल्म बिग डैडी और यार बेली में उन्होंने अभिनय किया है। दर्शक उन्हें जल्द ही साउथ की फिल्म में भी देख सकेंगे। इसके अलावा एक और पंजाबी फिल्म की शूटिंग जारी है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे विचार से टैलेंट पूरी दुनिया में है। छोटी छोटी जगहों से ज़्यादा अच्छा टैलेंट निकलता है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत होती है। टैलेंट पूरी दुनिया में एंड छोटी छोटी जगह से मैंने देखा ज़्यादा अच्छा टैलेंट निकलता है। तो जहाँ से अच्छा टैलेंट को हमेशा मौका मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि छोटे शहर से आ जाए। जहाँ भी अच्छा टैलेंट उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। एंड मैं मानती हूँ कि अगर कोई टैलेंट है तो दुनिया के सामने उसका टैलेंट जरूर होता है। आप चंडीगढ़ से हैं, बहुत बड़ा शहर चंडीगढ़ है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग और काफ़ी कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ, लेकिन छोटे शहर में प्लेटफॉर्म की बहुत दिक्कत होती है। क्या भविष्य में यहाँ के टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सके? बिल्कुल, आई थिंक छोटे शहर के लोग भी तो बड़े शहर में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एंड आई थिंक आगे जाके इतना टैलेंट है तो आगे जाके हर किसी को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा एंड प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में मॉडलिंग क्या बहुत महंगा खर्च है? मॉडलिंग क्या काफ़ी महंगा पड़ता है एडवर्टाइजिंग सेक्टर में, या हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है? हाँ डेफिनेटली, आई थिंक मॉडलिंग को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड मॉडलिंग एक प्रोफेशन भी है तो मॉडलिंग में काफ़ी अच्छी अर्निंग भी है। मैं भी 8 ईयर से मॉडलिंग कर रही हूँ, मैंने काफ़ी अर्न किया है इस प्रोफेशन से। तो आई थिंक बल्कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सिटी में आके। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है मुझे, तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसी सिटी है बालाघाट, टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों से मिलकर। थैंक्स टू कम्युनिटी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया यहाँ पर सपोर्ट करने का। इस वेरी एक्साइटेड यहाँ पर। या बिल्कुल, मैंने पंजाबी मूवीज़ की है, 3 पंजाबी मूवीज़ की है, 2 रिलीज़ हो चुकी है और एक इस साल रिलीज़ हो रही है। एंड मेरी एक साउथ मूवी भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। बतौर पंजाबी एक्ट्रेस आपने कौन सी मूवी से डेब्यू किया था? बिग डैडी। गौरतलब है कि मिस चंडीगढ़ आयरा क्वीन एवं एक्ट्रेस शब्बी सूरी यहां रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के द्वारा आयोजित बालाघाट महोत्सव में मिस्टर एंड मिस बालाघाट में बतौर ज्यूरी के तौर पर शामिल होने आई है। रोटेरियन बलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि मिस्टर एंड मिसेस बालाघाट फैशन शो करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका देना है। बताया गया कि फैशन शो का 3rd सीजन है। इसके पहले एक विनर वर्षा रंगारे ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, जो अब मॉडलिंग के साथ फिल्मों में भी आने वाली है। जो फर्स्ट ईयर के विनर्स थे फर्स्ट सीजन के 2 ईयर्स बैक, उन्हें ही बहुत अच्छा नागपुर में प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। एंड लास्ट ईयर रजत वाजपेयी को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है। मेन रीज़न हमारा मिस्टर एंड मिस बालाघाट करने का यही है कि नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बट राइट नाउ जैसे कि सेविनी ने बताया कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन की वो मॉडलिंग में एक अपना आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बिल्कुल बालाघाट में भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फैशन शोज़ हो रहे हैं इतने अच्छे हैं, बालाघाट महोत्सव जैसे 3rd सीजन करने जा रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे एवरी ईयर। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल आप इसको एक्सप्लोर करें और एंड एन्जॉय द फैशन शो। इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल रही है, हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं पिछले उनको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसमें से एक वर्षा रंगारे करके बिटिया है लास्ट ईयर की रनर अप, आज की तारीख में वो वाइजैक के अंदर में गुड मॉडल भी है और कुछ फिल्म्स में भी आने वाली है। उसको प्लेटफॉर्म यहीं से मिला, यहीं से उसके अंदर में ये बात आई कि शी कैन बी ए मॉडल, तो उसको उन्होंने प्रमोट करके आगे भेजा है। अभी आज की तारीख में वो तब तेलंगाना कह लीजिए वहाँ की वो हीरोइन बनने जाने वाली। मैम आपने कहा कि